टेंशन में थी मम्मा कब होगा। अब माशाल्लाह काम इन प्रोसेस चल रहा है। कर रहे हैं हम लोग दीवारों के सारे, अभी से 12 बजे आ गए वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप सोच रहे हो कि मैं इवेंट के बाद निकाह के बाद कहाँ गायब हो गई, एकदम कराची पहुंची, इतनी बिजी रूटीन हो गई कि मैं व्लॉग मैंने करती थी, क्लिप्स बनाती थी, बट मैं सोचती थी यार इसको खत्म कहाँ पे करूँ, शुरू कहाँ पे करूँ। इस वजह से सारे क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं आई हूँ अपने घर वापस, बिल्कुल अभी पहुंची हूँ, क्योंकि हमारे घर पे है कल कुंडे, कल है 13 रजब, मलाली की विलादत है कल, तो कल हमारे घर पे कुंडे की न्याज भी होती है। पिछले साल मैंने व्लॉग किया था, इस साल भी व्लॉग करूंगी। तो अभी मैं आई हूँ घर, दिगर चेंज करो और बस काम में लगो। मैंने कहा ओके, जो आपका हुक्म है, मम्मा ने सारा काम कर दिया है, पूरियां बनाएंगे, सो लेट्स गो। गाइस मैंने चेंज कर लिया है, और लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फिर आगे की जाके वीडियो देखें। अभी हमारा पूरा थोड़ा बिखरा हुआ है, आपको दिखाती हूँ सब है। पूरियां बनने की तैयारी हो रही है। ये मम्मा, हेलो मॉम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। मम्मा ये पेड़े बना के रख रही है, अभी सोच रही किसको आवाजें दूं, इसको बुलाऊं, उसको बुलाऊं, मैं कहा छोड़ दें, मैं बेलती हूँ, आप जो है ना फ्राई करें बस को, खत्म बात। ऐसे ये सब चीज़ें हमारी रेडी हैं, ये बर्तन भी मम्मा ने निकाल के रख दिए हैं बाहर, सब चीज़ें हम यहाँ खिलाए जाएंगे। और माशाल्लाह से ये हमारी तैयार हैं कुंडे टिक्कियाँ, माशाल्लाह। मम्मा ने सुबह ही बना ली थी, टेंशन में थी मम्मा कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, लेकिन मम्मा ने कर लिया खुद ही। अल्लाह, यह खीर पकते हुए मैं देखती थी लेकिन इस बार मम्मा ने पका ली मेरे आने से पहले, क्योंकि मैं 4 बजे तक पहुंची हूँ। उससे पहले मम्मा मुझे जूते मारे, तुम काम वाम तो कर नहीं रही हो, तो काम इन प्रोसेस चल रहा है। अभी व्लॉग इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये मैंने बेल बेल के मम्मा को दे दी थी, मम्मा तल रही है, अब व्लॉग कौन बनाएगा, हम ये काम करें या व्लॉग बनाए, मैं थक गई। 2000 years later. गाइस हमारा सारा हो गया है, कुछ बनाई मैंने, मम्मा ने, फिर मेरी बहन भी आ गई थी तो उसने भी हेल्प की वो, और अब हम बना रहे हैं, मतलब ये दूध गर्म हो रहा है, अभी चाय बना रही हूँ, चाय पी के हम जाएंगे मिलाद में, क्योंकि कल 13 रजब है, मतलब आज है, रात हो गई 13 रजब। ये मेरे कजन के घर हमारे बन रहे छोले, बारी यार मिलाद मिस हो गई यार आज की। अच्छा ये इसने बनाया नहीं है लेकिन ये खड़ा है ऐसे जैसे इसने किया सब कुछ, झूठे अच्छा ओके ठीक है। अच्छा ये ये पापड़िया नहीं होती, पापड़िया, ओ बाबा जी यार थैंक यू सो मच, काम आ गई तुम। ऐसे हम घर आ गए हैं और अभी रिदा वापस लेकर आ गई है, सामान देखा मेरी, वाह पापड़िया बन चुकी है, वाह यार ले ले। अच्छा मैं दिखे देती, थैंक्स अ लॉट रिदा, हम लोग और अभी जो है बाजी लोगों को हमने दिया था, कजन लोगों को छोले बनाने के, तो छोले हमारे आ चुके हैं। और एक और भी सरप्राइज ये है कि मेरे जो पप्पो पप्पो मेरे दो पप्पो की बेटियां जो गई हुई थी ईरान इराक, जिनका मैंने ब्लॉग बनाया था, तो अपने घर में 20-25 दिन के बाद आई हूँ, तो जब वो गई जा रही थी ईरान इराक, अब मैं आई हूँ तो वो वापस आ रही हैं ईरान इराक से आज, मतलब वो आज 2 बजे या 1 बजे तक पहुंच जाएंगी, और अभी बज रहे हैं 10, मतलब 2-3 घंटे में वो यहाँ पर हमारे घर पे हमारे सामने होंगी इंशाल्लाह। तो आई एम सो एक्साइटेड, मैंने कहा देखो मैं गई तो वो लोग भी गए और अब मैं आई हूँ तो वो लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी रात में आ रहे हैं और जवार बन के आ रहे हैं, तो आई एम सो एक्साइटेड टू वेलकम देम। और अभी हमारे छोले वगैरह बन के आ चुके हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम जाएंगे बुआ के घर, वहाँ हम थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह करेंगे जवारों के लिए। जिन्हें भेज दिए हैं ये पापड़ी भेजी है छोलों पर, लाइक चाट के ऊपर सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं, बाजी ने बहुत से ये बना के भेजा है, आ रही थी तो बाजी ने बनाए छोले, वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही, दिल करा खा लूँ। आगे सारा काम हमारा हो गया, टिक्कियाँ वगैरह सब बन चुकी हैं, तैयार हूँ क्योंकि आज समझो ईद की रात है, तो मैं तैयार हूँ कि मौला की विलादत है यार, मतलब इतना 13 रजब को इतना
अच्छा, इतनी अच्छी वाइब्स होती है, एकदम मतलब इतना अच्छा लग रहा होता है कि यार मतलब कुछ है, ईद है और हमारे तो मतलब लाइक न्याज भी हो रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई कुछ है घर में, मतलब बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, लगते हैं यार मतलब अच्छा लगता है कि हम भी तैयार होते हैं, मेहमान हमारे घर आते हैं तो ईद वाला माहौल लगता है। तो आपको वाकई घर जाके सीन्स दिखाती हूँ कि हम कैसे तैयारी करते हैं, सजावट करते हैं उनके आने की, फिर हम व्लॉग को वहां कर देंगे एंड फिर हम सुबह मिलेंगे आपसे। तो अभी चलते हैं बुआ के घर, लेट्स गो। सुनो ऐसा लग रहा है ढोलकी बाजी, ऐसा लग रहा है ढोलकी हो रही है। हाँ ये अच्छा लग रहा है ना, कर रहे हैं हम लोग दीवारों के साथ, ऐसा लग रहा है मतलब कुछ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। सूत्रों से खबर आई है कि जिनकी खराब हुई है अभी कराची से निकले भी नहीं, तो अगर ये निकले भी 1 बजे तक भी निकले तो यहाँ तक वो 4 बजे पहुँचेंगे, 4 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे, तो इट्स टाइम दैट वी शुड स्लीप। सुबह फिर वजह भी उठेंगे, बहुत थक गए सुबह, फिर हमने पूरी रात मेहमानों को देखना है और काम, बहुत सारे काम करने, तो जस्ट स्लीप। मैं अपने घर आ गई हूँ और हमने बहुत वेट किया बट सीम्स लाइक वो रात को पहुँचेंगे, मतलब सुबह पहुँचेंगे 4-5 बजे तक, और मैं 2:30 बजे अपने घर आ गई हूँ, उनको शायद 5 बज जाएंगे। मैंने कहा यार मैं थकी हूँ ज़्यादा, मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि कल भी पूरा दिन मेहमानों को मुँह देना है। मैंने कहा अभी हो जाते हैं सो जाते हैं, फिर सुबह मिलते हैं, अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, फिर मैं देखती हूँ कि व्लॉग को एंड करना है कैसे, ये कंटिन्यू करना है, तो कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, जवारों के साथ और नए मेहमानों के साथ। कल का दिन थोड़ा होगा बड़ा हेक्टिक सा, तो कल मिलते हैं जब हम कुंडे सबको खिलाएंगे। तेरा रजब मुबारक टू ऑल, लव इज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी जवानों से मिलने सुबह 8 बजे आ गए हैं वो, अभी हम चाहे तो सर्दी है बाबा, बहुत सर्दी है भाई। आमीन आमीन नूर है जवार वालों, बकल नूर है माशाल्लाह। नमाज़ी भी आई हूँ, नमाज़ी पढ़ी है।